हम निकल गए, हमारा गांव का सफर खत्म हो गया। साहिबगंज का सफर शुरू, जो पसंद नहीं है मैं। ये पीछे तो सवारी बैठी है बाय बाय करो बाय। इसको करेंगे कोई दिख नहीं रहा। तो धृति को हर आते जाते मंदिर को में आने, हमने वापस को बोला कि नमस्ते करो, मंदिर है ये और ये रास्ता जो कि बहुत सुंदर लगता है। और हम पहुंच चुके हैं हमारा स्टेशन और यहाँ पे ये ट्रेन में साइकिल लटका हुआ, तो ये तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो कमेंट करके मुझे बताना। यहाँ पे तो ज़रूर देखने को मिल जाता है क्योंकि हमारे गाँव का ना ये सबसे लास्ट स्टेशन है, इसके बाद कोई स्टेशन नहीं है। ये मेरी माता इधर का वीडियो बना, हम लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं, जा चढ़ छोला लेके ट्रेन में चलिए। ये हमारी एक लौती यहाँ की ट्रेन जो हमें मनिहारी तक पहुँचाएगी, वन एंड ओनली यही ट्रेन है। जगह मिल गई भाई, बहुत जगह है, मेरे उधर बैठने से काम चलेगा। छोटा बच्चा हमारे यहाँ पे ट्रेन में बकरियाँ भी सफर करती हैं और ये टिकट भी सफर करती है, इनकी कोई टिकट नहीं लगती है यहाँ पे ट्रैवल करने में। ओ हाँ, दो है, दो तीन है टोटल बकरियाँ। मेरे गांव के स्टेशन का नाम है तेज नारायणपुर। ये देखो बोर्ड रंग लगा है, पुराना है, पेंट नहीं है, क्या छोटा सा स्टेशन है बहुत। बाय बाय तेज नारायणपुर। खिड़की सामने खड़ी हो रही जाने की खुशी। ट्रेन खुल गई और भाई जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, बस गर्मी की वजह से हम सब जल्दी से आ गए, नहीं तो हमने तो सोचा था कि हम एक हफ्ते 10 दिन ज़रूर रह जाएंगे क्योंकि हमें हमारे गांव में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम अपने गांव से इतने ज़्यादा जुड़े हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोग भी अपने गाँव से जुड़े हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन सा कहाँ पर गाँव है आपका ना मुझे वो भी बताना। इतनी हरियाली है, इतना अच्छा लगता है ना गाँव में कि क्या बताऊँ। वैसे हर किसी को अपने गाँव से प्यार होता है, हमें तो बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हम आ नहीं पाते हैं, बहुत दिन बाद आ पाते। हम पहुंच चुके हैं मनिहारी स्टेशन, अब यहाँ से हम जाएंगे LCT घाट, फिर वहाँ से हमें घाट LCT मिलेगी या ना मिलेगी पता नहीं, पर वहाँ जाके देखते हैं। अब निकलने का टाइम आ गया भाई, भीड़ और ये उतरने का बहुत डेंजर होता है भाई यहाँ से, मतलब जो उतर गया ना वो तो कहीं से भी चढ़ सकता है, कहीं से भी उतर सकता है, क्योंकि अगर गए तो फिर गए, और यहाँ वीडियो बनाना तो और मुश्किल होता है। पर भाई हम ब्लॉगर ठहरे, हमने तो बनाना ही धक्का निकल गया जाओ भाई मेरे जाने जा रहे, तो मैं आगे निकल गया। मैं सबका वेट कर रही थी कि सारे लोग आएंगे क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग थे, तो सब आएंगे तभी जाएंगे। मैं घर पहुँच गई, मैंने नहा लिया, सबसे पहले मैंने ही नहाया क्योंकि भाई मेरा बच्चा सो गया, और भाई बाप रे गर्मी में कहीं जाना बहुत मुश्किल है। और अभी तो यहीं पर एंड करती हूँ मैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।